शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय आठ। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय आठ। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबित्याह था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इसराइली लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि तुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको हजार हजार और पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छे से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का दसवां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी ले लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दसवां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा निर्णय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की यह सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ